वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मेरी नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं हरी। मैं आप सभी का होम रेसिपी चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बनाएंगे तंदूर कॉफ़ी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसको टेस्ट भी रेगुलर कॉफ़ी से ज़्यादा आ जाएगा। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले तंदूर चाय बनाया था, उसी मेथड से बनाएंगे। बस कॉफ़ी डालने का समय सही होना चाहिए, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, तंदूर कॉफ़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फुल फैट का दूध लीजिए। और दूध में टेस्ट के हिसाब से चीनी डालिए। दूध को एक उबाल आने तक गर्म कर लेंगे। दूध उबलने के बाद दूध को अलग से रखेंगे। ये देखिए, ऐसा छोटा सा मिट्टी का मटका लीजिए। मैंने इसे अच्छे से साफ करके धोकर सुखा कर लिया है। अब हम इसे गैस पर गर्म कर लेंगे। तंदूर बोले तो तंदूर भट्टी में गर्म करके लेना होता है, लेकिन हमारे घर में तंदूर भट्टी होती नहीं, इसीलिए इसे हमें गैस पर ही गर्म करके लेना होगा। अगर आप गांव में रहते हैं तो इसे लकड़ी के चूल्हे में डालकर गर्म कर लीजिएगा, इससे कॉफ़ी का टेस्ट और भी बढ़ेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मटका लेते समय ध्यान रखें कि मटका आपको पका हुआ ही लेना है, कच्चा ना ले। और आप इस मटकी को ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार यूज कर सकते हो। ये देखिए, मटकी को मैंने बाहर से और अंदर से अच्छे से गर्म कर लिया है। तो इसे किसी और बर्तन में रखते हैं। इसे रखने के लिए पीवीसी या कांच के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। अभी हम इस मटकी में थोड़ी सी कॉफ़ी डालेंगे, तुरंत उसके पीछे दूध डालेंगे। और ऊपर से भी थोड़ी कॉफ़ी डालते हैं। आपको लगता होगा कि पहले कॉफ़ी डालने से कॉफ़ी जल जाएगी, ऐसा नहीं होता, बल्कि हमारी कॉफ़ी और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनती है। बस तुरंत उसके पीछे दूध डालिएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।